हेलो स्टूडेंट, तो बेटा आज अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अपन 4 टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, ट्रिग्नोमेट्री, सीक्वेंस सीरीज, ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद क्वाड्रेटिक, फिर सीक्वेंस सीरीज, फिर बाइनोमियल थ्योरम। अब अगला टॉपिक है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसके भी जेईई मेंस में काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, शायद 20 के आसपास क्वेश्चन है, टोटल 22 पेपर्स में। 1-2 पेपर में क्वेश्चन आए भी नहीं थे इसके, उसमें कुछ प्रोबेबिलिटी का यूज था तो वो प्रोबेबिलिटी के अंदर अपन ने उनको पुट किया हुआ है, ठीक है ना। तो अभी अपन ये फ्रेश पीएनसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, कंसिडर ए क्लास ऑफ 5 गर्ल्स एंड 7 बॉयज। एक क्लास के अंदर 5 गर्ल्स और 7 बॉयज हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ डिफरेंट टीम कंसिस्ट ऑफ 2 गर्ल्स एंड 3 बॉयज। आपको क्या करना है, द नंबर ऑफ डिफरेंट टीम, आपको डिफरेंट टीम फॉर्म करनी है जिसके अंदर क्या है, 2 गर्ल्स और 3 बॉयज होनी चाहिए। मतलब 5 पर्सन की टीम बनानी है अपन को, जिसमें 2 गर्ल्स को सिलेक्ट करना है और 3 बॉयज को सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। इफ देयर आर 2 स्पेसिफिक बॉयज ए एंड बी हुज रिफ्यूज टू बी मेंबर ऑफ द सेम टीम। मतलब दो, आपको 5 पर्सन की टीम बनानी है, उसमें क्या बोला गया है कि 2 स्पेसिफिक बॉयज हैं ए और बी, वो दोनों वो क्या बोलते हैं कि हम दोनों एक साथ टीम में नहीं खेलेंगे, ये मीनिंग है इसका। मतलब ए और बी को दोनों को अपन एक साथ उस टीम में नहीं ले सकते, या तो ओनली ए को ले सकते हैं या ओनली बी को ले सकते हैं, या दोनों को आप रिफ्यूज कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो देखो कैसे ट्राई करना, सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा इजीली। इधर आओ सभी, मजा आता है पीएनसी क्वेश्चन करने में। तो 5 गर्ल्स हैं और 7 बॉयज हैं, इसको 2 पार्टों में स्प्लिट कर दो, 5 बॉयज ए और बी ऐसे, ठीक है। अब देखो कैसे करना है। सबसे पहले तो क्या करना है, आपको 2 गर्ल्स का सिलेक्शन करना है। मैं ऐसे करूंगा क्वेश्चन को, आप 2 गर्ल्स सेलेक्ट करो और इन 5 में से 3 बॉयज का सिलेक्शन करो। तो बताओ ए और बी का कोई रोल है नहीं ना इसके अंदर। तो फर्स्ट केस तो क्या लिखोगे, 5C2 इंटू 5C3, बोलो हाँ है ना। ये 2 गर्ल्स हैं, ये 3 बॉयज हैं, और जो बॉयज हैं उनमें ए एंड बी को क्या किया गया, रिफ्यूज किया गया। प्लस, या फिर मैं ब्रैकेट में बता देता हूं, चलो सेपरेट ही देखो, आपको जल्दी अच्छा लगेगा समझना। 5C3 प्लस अगेन, आपको गर्ल्स तो 2 लेनी है तो 5C2। अब जो आपको 3 बॉयज लेने, क्या करो, 2 बॉयज तो आप इधर से सेलेक्ट करो और इन दोनों में से 1 बॉयज इसको सेलेक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। या तो क्या करोगे, 2 गर्ल्स इधर से, 3 बॉयज इधर से, या फिर 2 गर्ल्स तो इधर से लेनी है आपको, 2 बॉयज इधर से लो और 1 बॉयज इधर से लो। अरे ए और बी में से 1 बॉयज तो ले सकते हैं ना। तो सेकंड केस क्या होगा, 5C2 इंटू 5C2 डॉट 2C1। 2C1 में दोनों चीज पॉसिबल हैं, इसमें एक बार ए इंक्लूड हो गया और एक बार बी को इंक्लूड किया गया, और दोनों को इंक्लूड करना ही नहीं है आपको, ठीक है ना। तो इसको सोल्व कर दो, तो देखो क्या आ गया, 5C2 की वैल्यू क्या होती है 10 और 5C3 की वैल्यू भी क्या होती है 10। 10 इंटू 10 100, प्लस ये भी 100, ये 10 और 2, तो 200 आ गया। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ गया बोलो, 300। बोलो कोई डाउट किसी को, सिंपल क्वेश्चन था। दोबारा सुन लो, 5 गर्ल्स हैं और 7 बॉयज हैं, उन 7 बॉयज में से 2 बॉयज कौन से, ए और बी। और क्वेश्चन में क्या बोला गया कि आपको एक कमेटी फॉर्म करनी है जिसमें 2 गर्ल्स को लेना है और 3 बॉयज को, और कंडीशन क्या है कि ए एंड बी बोथ आर नॉट इंक्लूडेड साइमल्टेनियसली। ए और बी को अपन दोनों एक साथ नहीं ले सकते, उसने मना किया है कि 2 स्पेसिफिक बॉय रिफ्यूज टू बी मेंबर ऑफ द सेम टीम। तो मैंने क्या किया, एक बार 5 में से 2 गर्ल्स सिलेक्ट करो और जो ये 5 बॉयज है इनमें से 3 बॉयज सिलेक्ट करो, प्लस 5 गर्ल्स में से 2 गर्ल्स सिलेक्ट करो, इन 5 बॉयज में से तो आप ओनली 2 बॉयज सिलेक्ट करो और 1 बॉयज कौन सा ले सकते हैं ए और बी में से, तो 5C2 इंटू 2C1। तो इसका फाइनल आंसर आ गया 5C2 10 इंटू 10 100 प्लस 100 इंटू 2 200, तो टोटल कितना हो गया 300। तो उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ natural numbers less than 7,000 which can be formed by using the digits 0, 1, 3, 7, 9। मतलब और digits हैं सारी, ये 5 को नहीं लिया जाएगा। repetition of digit allowed is equal to, मतलब आपको क्या करना है, less than 700, आपको 7,000, क्या बोलो 7,000 से less number formed करने हैं 0, 1, 3, 7, 9 को यूज करके, और रिपीटेशन क्या है अलाउ। तो देखो कैसे करोगे। अब सुनो, 7,000 से जो नंबर है वो 4 डिजिट के भी हो सकते हैं, 3 डिजिट के भी हो सकते हैं, 2 डिजिट के भी हो सकते हैं और 1 डिजिट के भी हो सकते हैं। तो एक मेथड तो क्या है कि आप 4 केस अलग बनाओ, पहले 4 डिजिट के नंबर लो 7,000 से लेस, उसके बाद आप 3 डिजिट के नंबर लो, फिर 2 डिजिट के और फिर बाद में 1 डिजिट के, ठीक है ना। और दूसरा मेथड क्या, वो समझना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उससे तो बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। देखो ये 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है बेटा आपको। अब जब नंबर आपको 7,000 से लेस लेना है तो एक बात बताओ, क्या यूनिट प्लेस पे जीरो नहीं आ सकती? क्या आ सकती है ना, क्योंकि अगर सॉरी यूनिट प्लेस के लास्ट प्लेस पे, अगर इस लास्ट प्लेस पे जीरो होगी तो नंबर कितने डिजिट का हो जाएगा? 3 डिजिट का। बाई चांस अगर फर्स्ट और सेकंड लास्ट पे भी जीरो आ गई तो नंबर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? 2 डिजिट का नंबर ऑटोमेटिक क्या होगा? 2 डिजिट का। और अगर माना थर्ड पोजीशन पे भी आपकी जीरो आ गई बाई चांस तो अब नंबर क्या होगा? 1 डिजिट का। और एक केस कौन सा होगा कि अगर चारों पे जीरो आ गई तो फिर वो नंबर जीरो होगा, बट अपन को लेना नेचुरल नंबर। तो वो देख लेंगे बाद में कि अगर उसके अंदर जीरो आ रहा होगा ना आंसर में, कि जो नंबर्स आपने फॉर्म किए उसमें नंबर जीरो भी प्रेजेंट है तो 1 को बाद में क्या कर देना? सब्ट्रैक्ट। चलो वो बात की बात है। तो अब देखो अपन इसको करते हैं सॉल्व, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल वर्ड। देखो बच्चों, जब अपन को ये पता ही चल गया कि यार जीरो वीरो कुछ ही फिल कर सकते हैं, तो बिना सोचे समझे बताओ इसको फिल करने कितने तरीके? 1 2 3 4 5 मेथड, बोलो हाँ है ना। और रिपीटेशन अलाउड है, क्या रिपीटेशन अलाउड? हाँ, इसमें एक प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे नंबर अगर आपने 5 डिजिट लिख दिया तो इधर ये दिक्कत है बेटा कि इधर 7,000 से लेस नंबर लेने, तो इधर 7 और 9 तो आ ही नहीं सकता ना फर्स्ट प्लेस पे। भाई जीरो आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर इधर 7 आ गया तो मिनिमम नंबर क्या होगा? 7,000। लेकिन अपन को तो 7,000 से लेस नंबर लेने हैं, तो इस लास्ट प्लेसेज पे या इस प्लेसेज पे ना तो 7 आ सकता ना 9। तो एक बार थोड़ा सा इसको फिल करने के कितने ऑप्शन हुए अपने पास? 1 2 3, ओनली 3 ऑप्शन है। इसको फिल करने के अगेन 5 ऑप्शन, इसको फिल करने के अगेन 5 ऑप्शन। ये समझ में आना चाहिए। दोबारा सुन लो, रिपीटेशन अलाउड है तो इधर 5 क्यों नहीं लिखा अपन ने? क्योंकि इधर अगर 7 आ गया बाई चांस तो बेटा इस पे अगर 7 होगा यूनिट इस लास्ट प्लेसेज पे तो कुछ भी फिल कर दो आप, अगर 0 0 भी फिल कर दिया तो नंबर इससे लेस नहीं होगा ना, वो तो इसी की इक्विवेलेंट हो जाएगा। और 0 के अलावा कुछ भी लो फिर नंबर तो इससे ग्रेटर हो जाएगा 7,000 से। ऐसे इधर 9 भी नहीं आ सकता, तो इसको फिल करने के 3 ऑप्शन है। फिर तो 5 5 5, तो ये कितना आ गया? 15, 25 × 5, 125 × 3, 375। क्या आ गया? 375। तो देखो इसमें 4th ऑप्शन दे भी रखा 375, बट मैंने क्या बोला था अभी जब आपने फिल किया, तो देखो इस 3 का मीनिंग क्या है? 0 1 3 में से कुछ भी आ सकता है। तो क्या इस 3 केसेज हैं इसको फिल करने के 3 ऑप्शन है 0 1 2 3, तो 0 आ सकता है इधर? हाँ आ सकता है। इसको फिल करने के 5 ऑप्शन है ये, तो इस पे अगेन दोबारा 0 आ सकता है, इस पे भी अगेन 0, इस पे भी 0। तो इसके अंदर एक कौन सा नंबर प्रेजेंट है? 0, बट अपन को नंबर लेने नेचुरल नंबर, तो इसमें से 1 माइनस करना पड़ेगा। तो क्या आंसर आ गया बोलो? 374। तो ध्यान रखना इसका करेक्ट आंसर 3rd होगा। बस ऐसी सीलिंग मिस्टेक होती है एग्जाम में बच्चों से, बाकी तो कुछ नहीं है जेईई मेंस में। तो उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कंसीडर दी 3 बॉक्सेज ईच कंटेनिंग 10 बॉल्स लेबल्ड 1 to 10, सपोज 1 बॉल इज रेंडमली ड्रॉन फ्रॉम ईच ऑफ दी बॉक्सेज। क्या बोला गया है? 3 बॉक्सेज हैं और ईच बॉक्स में 10 बॉल रखी गई हैं जिन पे नंबरिंग है 1 से 10, ठीक है बेटा। और आपको रेंडमली ईच बॉक्स से 1/1 बॉल ड्रॉन करनी है। डिनोट बाय एनआई, ये समझना ढंग से। डिनोटेड बाय एनआई द लेवल ऑफ द बॉल ड्रॉन फ्रॉम द ith बॉक्स। ith बॉक्स में से जो बॉल ड्रॉन करोगे उसका नेम क्या दिया गया? एनआई। जैसे लेट आई को 1 लिया, तो फर्स्ट बॉक्स में से जो बॉल निकाली उसका नाम है n1। फर्स्ट बॉक्स है ये, लेट b1 बॉक्स है आपका, ये लेट सेकेंड बॉक्स b2 है और ये लेट थर्ड बॉक्स b3 है। तो इसमें से जो बॉल ड्रॉन करोगे उसका नेम तो n1 है। i को 2 लोगे तो सेकेंड बॉक्स में से जो बॉल ड्रॉन करोगे उसका नेम क्या है? n2। और थर्ड में से बॉल ड्रॉन करोगे उसका नाम है n3, ठीक है। देन दी नंबर ऑफ वे इन विच दी बॉल्स कैन बी चूज सच दैट n1 लेस देन n2 लेस देन n3। सिंपल क्वेश्चन है, मतलब इसका मीनिंग क्या है कि n3 ग्रेटर देन का मीनिंग क्या है कि B3 बॉक्स में से जो बॉल ड्रॉन है वो सबसे ग्रेटर नंबर की है, तो फिर B2 वाली उससे लेस होनी चाहिए और B1 वाली तो उससे छोटी होनी चाहिए। मतलब इस ऑर्डर में आपको बॉल को ड्रॉन करना है। तो देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है। अब इसके दो मेथड हैं, समझना ढंग से। एक मेथड तो क्या है ये समझा देता हूं, थोड़ा सा लेंथी बट आप समझ, इसको उल्टा लिख दी मैं समझने के लिए, ठीक है। जैसे n3 को मैंने 10 लिया और इसको 9 लिया, तो n1 को लेने के 8 ऑप्शन है ना, 1 to 8। इसको अगर मैंने 10 फिक्स कर दिया, इसको 8 लोगे तो 7 ऑप्शन होंगे। ऐसे इसको अगर आपने 2 ले लिया तो इसको 1 लेंगे। तो जब n3 को 10 लिया और n2 को 9, 8, 2 तक वेरी कराया, तो n1 को लेने के टोटल ऑप्शन क्या होंगे, 1 + 2 + 3 + 7 + 8। यह आ जाएगा 8, n × n + 1/2, 8 × 9/2, तो 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मतलब फर्स्ट केस से आंसर आएगा 36। ऐसे सेकंड केस क्या अरेंज करना, इसको आप लेना 9, इसको 8, तो इसके 7 मेथड, फिर 6 मेथड, तो ये 1 to 7 हो जाएगा टोटल, तो उसका सम, तो ऐसे टोटल बनेंगे 7 केसेज। ये 10 से लेके कहां तक जाएगा, 8, 10 के बाद 3, 2, 1, तो 1 आ जाएगा ऐसे, है ना। उससे सोल्व करोगे तो आंसर मिल जाएगा आपका। बट ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर है। और दूसरा मेथड क्या हो सकता है, समझो बात को, इसका मीनिंग यही तो है ना भाई। सिंपल सी बात ये कि जो तीनों बॉक्सेज हैं उनमें बॉल तो सेम ही लेवल की है ना, 1 से 10। अब आपको क्या करना है, आपको 3 बक्सों में से 3 बॉल ड्रॉन करनी है। एक पे नंबर 10 आना चाहिए, एक पे 9 है तो एक पे 8 आना चाहिए। तो अब इसको रिवर्स उल्टा समझो आप। जैसे लेट मेरे पास 10 बॉल रखी हुई है, बात को सुना ढंग से, ये 10 बॉल रखी हुई है 1 से 10। आपको 3 बॉल लेके B1, B2, B3 बॉक्स में पुट करनी है। और कंडीशन क्या है, B1 में सबसे छोटी, B2 में फिर उससे ग्रेटर बॉल और B3 में उससे ग्रेटर लेवल्ड का नंबर। तो एक काम करो ना, आप 10 में से 3 बॉल का करो सिलेक्शन, 3 बॉल का क्या करो सिलेक्शन। और सेलेक्ट करने के बाद आपने 10 में से 3 बॉल सेलेक्ट की, लेट उनकी नंबरिंग आई बाई चांस 10, 8 और 3। ये 3 बॉल सेलेक्ट की मैंने और इनको बाद में आपको उन बॉक्सेज में पुट करना है। तो पुट करने के कितने मेथड, एक ही मेथड होगा ना। क्यों, क्योंकि जो सबसे, भाई सिंपल सी बात है, तीनों बॉल डिस्टेंट है। 10 से 3 में जब बॉल सेलेक्ट करोगे नंबरिंग की 1 से 10 की, तो तीनों बॉल डिस्टेंट नंबर की हैं, तो जो सबसे ग्रेटर नंबर वाली बॉल है वो ऑटोमेटिक आप कहां पुट करोगे, B3 बॉक्स में, उससे लेस को B2 में और उससे लेस को B1 में। तो इसका डायरेक्ट आंसर मैं लिख सकता हूं 10C3। थोड़ा सोचने वाला मेथड है। तो फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 7, तो इसको सोल्व करने पर जाएगा शायद 10, 9, 8 अपॉन 6, तो 6 से कैंसिल करोगे तो कितनी चला गया, 3 बार और ये 2 बार, तो 120 आंसर आना चाहिए इसका। क्या आना चाहिए, 120। और उससे भी करके देख लेना, उससे भी समझ में आएगा आप सबको। इस टाइप से करो उसको, ये अच्छा मेथड है। थोड़ा सोचो कि भाई मैंने क्यों लिखा है इसको ऐसे। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, देयर आर एम मैन एंड टू वुमेन, एम तो मैन है और 2 वुमेन्स पार्टिसिपेटिंग इन ए चेस टूर्नामेंट। ये सारे पर्सन क्या करते हैं, एक चेस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। फिर बोला गया ईच पार्टिसिपेंट प्ले 2 गेम्स विद एवरी अदर पार्टिसिपेंट, मतलब ईच प्लेयर जब रिमेनिंग प्लेयर से गेम खेलता है तो कितने गेम खेलेगा, 2 गेम खेलेगा। पढ़ो ना ढंग से, ईच पार्टिसिपेंट प्ले 2 गेम्स विद एवरी अदर पार्टिसिपेंट if the number of games played by the man, अब जैसे लेट मैन है m, मैंने फर्स्ट मैन m1 को रिमेनिंग मैन के साथ गेम खेलना है, तो क्या लिखोगे आप, mc2 × 2 लिखना है। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास 10 मैन बैठे हुए हैं, तो 10 मैन कितने वे से गेम खेल सकते हैं, तो 10 में से कोई भी 2 मैन पकड़ो आप और जितने वे से आप सेलेक्ट करोगे उतनी टीम बनेंगी और उतनी वे से वो खेलेंगे। और क्या है, तो 10C2 हो गया ना। बट उसको 2 से मल्टीप्लाई क्यों करना है, क्योंकि ईच पार्टिसिपेंट 2 गेम खेलता है एक दूसरे के साथ, ठीक है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करना है। चलो ठीक है। इफ द नंबर ऑफ गेम्स प्लेड बाय द मैन बिटवीन देमसेल्फ, मैन के बिटवीन जितने गेम्स होंगे एक्सीड द नंबर ऑफ गेम्स प्लेड बिटवीन द मैन एंड वुमेन बाय 84। 2 मेन्स जो मैन है टोटल, उनके बिटवीन जो गेम्स होंगे टोटल, वो गेम क्या है, मेन और वुमेन के बिटवीन जो गेम्स है उससे 84 ग्रेटर हैं, बोलो हाँ है ना। तो आपको m की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे करना, सुनो, सिंपल क्वेश्चन है शायद। पहले तो इसकी बात करते हैं कि नंबर ऑफ गेम्स प्लेड बाय दी मेन बिटवीन दी मेन, टोटल m मेन है। जैसे 10 की बात करो, 10 मेन से कितनी टीम बन सकती है, जितनी टीम बनेगी उतनी बार खेलेंगे ना वो। तो 10 में से कोई भी 2 पर्सन सिलेक्ट करो आप, तो भाई सीधी बात है 10 में से 2 पर्सन सिलेक्ट करोगे तो 2 मैन आगे ना, वो दोनों खेलेंगे चेस, और क्या है, क्या खेलेंगे चेस। तो 10 पर्सन में से आप जितने वैसे 2 पर्सन सिलेक्ट कर सकते हो, उतनी क्या बनेगी टीम, और जितनी टीम बनेगी उतने वो गेम प्ले कर सकते हैं। तो m पर्सन में से 2 पर्सन को सिलेक्ट करोगे तो उतने ही गेम क्या होंगे, वो प्लेड करेंगे दोनों। वर्ड 2 से मल्टीप्लाई क्यों करना है, क्योंकि ईच पार्टिसिपेंट 2 गेम खेलता है एक दूसरे के साथ। इक्वल टू क्या बोला गया है, मेन और वुमेन के बिटवीन गेम खेलना है। तो क्या करना है, मतलब एक मेन लेना और एक वुमेन। तो एम मेन में से एक मेन लेने का मेथड mc1 इंटू 2c1, और बाद में इसको भी क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई, और ये वैल्यू किसके ज्यादा है 84 से। बस इस इक्वेशन को सोल्व करना, आपको एम की वैल्यू पता लग जाएगी। तो देखो क्या गया, ट्वाइस ऑफ इसका फॉर्मूला mc2 की वैल्यू m इंटू एम माइनस 1/2 m22, तो 4m प्लस 84। अब देखो इसको सोल्व कैसे करना है, इधर आया सभी, ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, तो ये आ गया एम स्क्वायर, क्या आ गया बोलो, एम स्क्वायर माइनस एम और माइनस 4m माइनस के 5m, और नेक्स्ट आ गया माइनस के 84 इक्वल टू 0। अब इसमें देखो इसके फैक्टर करो, 84 है ना तो 12 इंटू 7, हाँ ठीक है ना, तो ये आ गया m माइनस 12, बस फैक्टर करो आप, और m प्लस 7 इक्वल टू 0। तो m क्या आ गया 12 और -7, तो -7 तो हो नहीं सकता, तो m की वैल्यू क्या होगी 12 आंसर। सिंपल, कोई डाउट किसी को, ऐसे करना है इसको। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नंबर 5, पढ़ो उसको जल्दी से। ऑल पॉसिबल नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग दी डिजिट्स 1, 1, 1, 4 बार 2, 1 बार 3 और 2 बार 4। ठीक है, देख लेना आप इसको, ये नंबर्स गिवन है आपको, डिजिट्स गिवन है इतनी सारी। टेक ऑल एट ए टाइम, ईच डिजिट को यूज करना है। द नंबर ऑफ सच नंबर्स इन विच दी ऑड डिजिट ऑक्यूपाई इवन प्लेसेज, ऑड डिजिट कौन सी प्लेस में आनी चाहिए, इवन प्लेसेज पे। तो बताओ टोटल नंबर्स कितने फॉर्म कर सकते हैं। तो देखो इधर आओ, ये टोटल डिजिट कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब आपको 10 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है। बोला गया क्वेश्चन में ई डिजिट को यूज करोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। देख लो ढंग से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अब क्वेश्चन में क्या मेंशन है कि जो ऑड डिजिट है, ऑड डिजिट कौन कौन सी है, 1, 1 एंड 3। तो ये जो 3 ऑड डिजिट्स हैं, इनको कहां फिल करना है अपन को, इवन प्लेसेज के पास। अपने पास टोटल इवन प्लेसेज कितनी है बोलो, 5 इन 5। अब देखो कैसे करना है क्वेश्चन को, इवन प्लेसेज 5 हैं, तो सबसे पहले क्या करोगे, इन 5 इवन प्लेसेज में से एनी 3 इवन प्लेसेज पे पहले इन 3 ऑड नंबर्स को फिल करो। बात को तरीका देखो, क्वेश्चन करना कैसे, टोटल 5 इवन प्लेसेज हैं, आपको पहले 3 ऑड नंबर को फिल करना है। तो क्या करना चाहिए, पहले 5 में से 3 इवन प्लेसेज सेलेक्ट करो। चलो वो 3 इवन प्लेसेज आपने सेलेक्ट की, और इन सेलेक्टेड 3 इवन प्लेसेज पे 1, 1, 3 को फिल करने की कितने मेथड। एक बात बताओ, नंबर बनाने का मीनिंग क्या है, उनको रिसफल ही तो करना है ना। जैसे अपन लेटर से वर्ड्स बनाने हैं, तो उसमें क्या होगा, लेटर से वर्ड्स बनाने का मीनिंग क्या है कि जो लेटर है वो रिसफल होंगे। ऐसे डिजिट्स से आपको नंबर बनाने हैं, तो डिजिट्स को जब आप रिसफल करोगे तो उससे क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट नंबर का फॉर्मेशन। तो ऐसे ही 1, 1, 3 को रिसफल करने के मेथड क्या होंगे, फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2। क्यों, क्योंकि 2 नंबर एक जैसे हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस सोचो कैसे करना है। इनटू, ये तो बात हुई 3 ऑड नंबर की, उनको अपने इवन प्लेसेज फिल कर दिया। अब रिमेनिंग नंबर को तो रिमेनिंग पोजीशन पे फिल कर सकते हैं। तो रिमेनिंग कितनी डिजिट्स बची अपने पास, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितनी है, एक सेकेंड, टोटल 10 है कि 9 है? 1 2 3 7 9 है, सॉरी कितनी टोटल 9, टोटल कितनी थी 9, तो 9 है तो एक काम करो, तो 9 है तो इवन प्लेसेज कितनी होंगी टोटल 4 होंगी ना, तो 4 में से 3 का क्या करना है आपको सिलेक्शन, ये ठीक है 4 में से 3 का सिलेक्शन किया, फिर इनको फिल करने के मेथड है। अब टोटल जो रिमेनिंग इवन डिजिट है वो कितनी है 4 और 2 6, तो क्या लिखोगे फैक्टोरियल 6 अपॉन, भाई 6 डिजिट को रिसफर करना है 6 पोजीशन पे, तो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 4 अपॉन, ये क्यों किया अपन ने, क्योंकि 4 डिजिट एक जैसी हैं और रिमेनिंग 2 डिजिट एक जैसी हैं, लाइक ऑब्जेक्ट्स की तरह, ठीक है। चलो इसको सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या होगा आंसर। इक्वल टू आओ 4C3 की वैल्यू क्या होगी 4 इंटू ये 6 अपॉन 2 इज 3 इंटू क्या, इसका मीनिंग 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4, 6 5 30 बाई 2 15, 15 इंटू 12, तो कितना आ गया 180, देखो आंसर आ गया 180। हाँ तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा 4। अच्छा क्वेश्चन है बट कैसे करना है दोबारा सुन लो, वो गलती हो गई थी। टोटल 9 पोजीशन है, इनमें से टोटल इवन पोजीशन कितनी है 4, इन 4 इवन पोजीशन में से आपको 3 पोजीशन पे ऑड नंबर फिल करने हैं, तो मैंने पहले 4 में से 3 इवन पोजीशन का क्या किया सिलेक्शन, सेलेक्टेड 3 इवन पोजीशन पे 3 और नंबर को फिल करने का मेथड फैक्टोरियल 3 अपन फैक्टोरियल 2, और रिमेनिंग 6 पोजीशन पे 6 इवन प्लेसेज पे इवन नंबर को फिल करने का मेथड क्या होगा, रिमेनिंग 6 पोजीशन पे 6 इवन नंबर को फिल करने का मेथड फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2। चलो तो इस टाइप सॉल्व करना है क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 4321, आपको 4321 से ग्रेटर नंबर लेट करने हैं, दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 0 1 2 3 4 5, क्या यूज करना है 0 1 2 3 4 5, और कंडीशन क्या बोली गई, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड, मतलब डिजिट का रिपीटेशन अलाउड है। तो अब देखो क्या करना है, 4321 से ग्रेटर नंबर चाहिए ना, तो इसको ऐसे करो, देखो शायद इधर आओ सभी, 4 डिजिट का नंबर है, इधर 4 इधर 2 इधर 4 3 2, ऐसे ले लिए मैंने। देखो कैसे करना है, 4 3 2 फिक्स कर दिया, तो इधर फिर कौन नहीं आ सकता, 1 नहीं आ सकता, क्योंकि आपको तो 4 3 2 1 से ग्रेटर नंबर, तो 1 को हटा दो आप, क्योंकि रिपीटेशन तो अलाउ है ना, तो रिमेनिंग डिजिट कितनी है 1 2 3 4 5, तो इसको फिल करने के 5 मेथड, तो ये लो 5 आंसर तो ये आ गया, ये तो 4 3 2 फिक्स कर दिया ना, मतलब एक तो नंबर क्या होगा जब 4 3 2 को आपने ऐसे लिया, इससे ग्रेटर नंबर चाहिए ना अपन को, ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट थिंग क्या होगी, देखो अब आप क्या करो, 4 3 को तो फिक्स कर दो, 4 3 को फिक्स किया, तो इधर 2 से ग्रेटर लेना अपन को, तो 2 से ग्रेटर लोगे तो क्या लेना है 3 4 5, तो इसको फिल करने के 3 मेथड, तो अब इधर कुछ ही फिल करो ना, नंबर हमेशा ग्रेट होगा, तो इसको फिल करने के 6 ऑप्शन, तो ये आ गया 18, बोलो हाँ है ना, समझो ढंग से। उसके बाद नेक्स्ट केस क्या हो सकता है, देखो इधर 4 है, अब इधर 3 से ग्रेटर लो, 3 से ग्रेटर 2 ऑप्शन है 4 5, इधर कुछ ही फिल करो, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आ गया 72, बोलो हाँ है ना। तो ये 4 3 2 के अकॉर्डिंग आपने 3 केसेज में फिल कर दिया, कि 4 को फिक्स किया, 3 2 को फिक्स किया, तो ये हो गया 4 3 को फिक्स किया दिस पार्ट, और ओनली 4 को फिक्स करने पे ये क्या है 4 3 2 1 से ग्रेटर नंबर। अब आप अगला केस क्या करोगे, 4 से ग्रेटर लेना है, तो 4 से ग्रेटर कौन ले सकता हूं 5, तो 5 लोगे, तो इसका मतलब इसको फिल करने का एक ही ऑप्शन है 5, इसके बाद इसको फिल करने के 6 ऑप्शन, भाई सिंपल सी बात क्या है, जब इधर 5 आ गया तो इधर कुछ ही फिल करो ना, नंबर हमेशा इससे ग्रेटर होगा, तो कितना हो गया 36 इंटू 2 1 6, बोलो आया ना, भाई सिंपल सी बात है। मैंने क्या किया 4 3 2 को फिक्स किया, तो इस पे 1 से ग्रेटर नंबर फिल करो 5 ऑप्शन, फिर आपने 4 3 को फिक्स किया, तो इस पे अगर 2 से ग्रेटर फिल करोगे तो वो नंबर ऑटोमेटिक इससे ग्रेटर हो जाएगा, सीधी बात है, तो इसको फिल करने के 3 ऑप्शन, इसको 6, तो 18 आ गया। ऐसे ही फिर ओनली 4 को फिक्स किया फर्स्ट पोजिशन पे, तो इसको 3 से ग्रेटर लेना है इस बार, तो 3 से ग्रेटर लेना है तो 2 ऑप्शन, इसको फिल करने के 6 ऑप्शन, और अब इसको 4 से ग्रेटर तो 5, मतलब ओनली 5 आ सकता है, तो इसका 1 ऑप्शन है फिल करने का 5 और रिमेनिंग को फिल करने के 6 इंटू 6 तो कितना आ गया 216। इनको सोल्व करो, ऐड करो तो देखो 72 और 18 कितना आ गया बताओ, 72 एंड 18 इज 90 और 216 और 5 221 और 221 को ऐड करोगे तो 311 आ रहा है। क्या आ रहा है 311। तो देखो इसमें अपन ने क्या गलती की है, एक बार जल्दी से देखो क्या हो सकता है इसमें गलती। जब आपने इधर, हाँ गलती पता चली ना, जब इधर 1 से ग्रेटर लेना है, क्या लेना 1 से ग्रेटर, तो 1 से ग्रेटर तो बेटा कितने ऑप्शन से 4 ऑप्शन है, सॉरी कितने ऑप्शन से 4, तो ठीक है फिर तो हो जाएगा और क्या है, ये 20 हो गया तो क्या आ गया 3। ध्यान रखना थोड़ा गलती, सॉरी को डाउट किसी को, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 310। 11 तो था ही नहीं, तो और गलत हो जाता है जल्दीबाजी में। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, ए कमिटी ऑफ 11 मेंबर्स इज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 8 मेल्स एंड 5 फीमेल्स। 8 मेल्स और 5 फीमेल से आपको 11 मेंबर की कमिटी फॉर्म्ड करनी है। एम स्मॉल एम का मीनिंग क्या, दी नंबर ऑफ वे कमिटी इज फॉर्म्ड एटलीस्ट 6 मेल्स। एम का मीनिंग है कि जो 11 मेंबर्स की कमिटी है उसमें एटलीस्ट 6 क्या आनी चाहिए, मेन आनी चाहिए, मेल आने चाहिए। और एन इज दी नंबर ऑफ वे दी कमिटी इज फॉर्म्ड विद एटलीस्ट 3 फीमेल्स। तो चलो पहले फर्स्ट केस करते हैं, एम इक्वल टू, एम का मीनिंग क्या है 11 मेंबर की कमिटी में मिनिमम 6 मेल होने चाहिए। तो चलो करो स्टार्ट, तो क्या करोगे मिनिमम 6 मेल लोगे तो 5 फीमेल प्लस 7 मेल तो 4 फीमेल और लास्ट 8 मेल तो 3, क्योंकि टोटल 11, ये 8 से ज्यादा तो ले नहीं सकते ना क्योंकि है ही 8 मेल मैक्सिमम। तो देखो ये कितना आ जाएगा, 8 में से 6 मेल लेने हैं तो 8c6 इंटू फीमेल कितनी है 5 तो 5c5, बोलो हाँ है ना, प्लस 8c7 इंटू 5c4 प्लस 8c4 इंटू 5c3, बोलो हाँ है ना। चलो इसको सोल्व कर दो, 8c6 का मतलब 8c2 तो 8c2 आ गया 8 इंटू 7 इंटू कितना आ गया 8c2 का मीनिंग क्या होगा 8 7 बाई 2 28 और एम 5c5 तो 1 तो ओनली आ गया 28 प्लस 8c7 इज 8 और 5c4 की वैल्यू 5 तो 8 इंटू 5 क्या आ गया 40 प्लस 8c8 1 और 5c3 10, 5c2 की वैल्यू और 5c3 की वैल्यू क्या होती है सेम होती है 10, तो ये आ जाएगा 40 50 70 78 आ गया, क्या आ गया 70, एम तो आ गया 78। अब सिमिलरली एन के लिए देखो क्या करना है, इसमें एन का मीनिंग क्या बोला गया बेटा अपन से एटलीस्ट 3 फीमेल, तो मिनिमम 3 फीमेल लोगे तो देखो मैक्सिमम 5 तो 3 फीमेल तो 8 मेल और 4 फीमेल तो 7 मेल और प्लस 5 फीमेल तो 5 फीमेल तो कितने 6 मेल, बोलो हाँ है ना। इसको सोल्व कर सकते हो आप, और देखो ढंग से जल्दीबाजी मत करना, ये जो केस लिखे ना मैंने ये देखो एम सी मैच करते हैं, उल्टा हो गया इसमें 6 मेल 5 फीमेल तो एन की वैल्यू भी क्या होगी इसमें 78। टाइम बचाने का मेथड है, थोड़ा देख लिया करो एक बार क्वेश्चन को। तो एम और एन इक्वल है और किसके इक्वल है 78 के इक्वल। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, रीड करो बेटा बहुत बड़ा क्वेश्चन है तो यार। सम आइडेंटिकल बॉल्स आर अरेंज्ड इन रोज टू फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। कुछ आइडेंटिकल बॉल से आपको क्या करना है इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करना है। कैसे करना है, द फर्स्ट रो कंसिस्ट ऑफ 1 बॉल एंड द सेकेंड रो कंसिस्ट ऑफ 2 बॉल एंड सो ऑन। मतलब फर्स्ट रो में 1 बॉल है फिर 2 फिर 3 फिर 4 अप टू सो ऑन। इफ 99 मोर बॉल्स आइडेंटिकल बॉल्स आर एडेड टू दी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स यूज्ड इन फॉर्म दी इक्विलेटरल ट्रायंगल। मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल में जितनी बॉल्स आपने यूज की हैं उनमें अगर आप 99 बॉल्स और ऐड कर दे तो आइडेंटिकल, तो बाद में बोला गया है देन दीज ऑल बॉल्स कैन बी अरेंज्ड in a square whose each side is contained exactly 2 balls less than the number of balls। दोबारा पढ़ो ढंग से। स्टार्टिंग वाला पार्ट तो सिंपल है, आपको आइडेंटिकल बॉल से ट्रायंगल फॉर्म करना है। उसमें कंडीशन है फर्स्ट टू में एक बॉल, फिर दो, फिर तीन, फिर डॉट 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 अप टू सो ऑन। ये तो बात हुई ट्रायंगल की। अब क्या बोला गया है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल में जितनी बॉल आपने यूज किए हैं उनमें 99 बॉल जब आप ऐड कर देते हो तो वो जो टोटल बॉल्स है आइडेंटिकल बॉल, सब आइडेंटिकल हैं, उनको यूज करके आपको क्या करना है, एक स्क्वायर का फॉर्मेशन करना है। और उसमें कंडीशन क्या बोली गई है, हुज ईच साइड कंटेन exactly 2 balls less than the number of balls each side of the triangle contain। मतलब जो ट्राइंगल की तीनों साइड हैं तो ट्राइंगल की तीनों साइड्स में जो बॉल है वो सेम होंगी ना, क्योंकि वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो जैसे कोई भी एक साइड लो, उसमें जितनी बॉल है ना उनसे दो कम बॉल लेके क्या करना है आपको, उससे दो बॉल, जैसे लेट देखो एक ऐसे है एक ऐसे है, आप ऐसे जैसे मैंने केवल इतने सा ट्राइंगल बनाया तो देखो ढंग से, इसमें भी तीन बॉल, ये भी तीन। और अगर आपने बोला कि लेट मैंने एंड साइड का ट्रायंगल बनाया है, कितने साइड का, ये एंड रो बनाई 1 2 3। तो अब बताओ जब एंड रो का ट्रायंगल बनाओगे तो ईच रो में एन रो का क्या बनाओगे, ट्रायंगल। तो देखो इसमें एन एन बॉल ही होंगी। देखो जब तीन बनाया तो तीन बॉल है, चार रो का बनाया तो चार बॉल, तो एन का बनाओगे तो क्या होगा, ईच रो सॉरी ईच साइड के अंदर क्या होंगी, एन बॉल्स होंगी। ईच साइड के अंदर कितनी बॉल होंगी, एन बॉल। बात समझ में आई। आप एक काम करो 1 2 3, तो देखो तीनों साइड में तीन तीन बॉल काम आ रही है, टोटल बॉल तो निकाल देना कोई दिक्कत नहीं है। अगर 4 4 बॉल 1 2 3 4 की बनाओगे फिर भी देखो ईच साइड में 4 4 बॉल यूज हो रही है इसमें। तो आपने क्या किया कि लेट मैंने एन साइड्स का वो सॉरी एन रो का बनाया, फर्स्ट रो में एक बॉल, सेकेंड रो में 2 बॉल, थर्ड रो में 3 बॉल, नेक्स्ट रो में 4 बॉल अप टू लास्ट में एन बॉल। तो जो साइड्स होंगी ना तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल उनमें कितनी बॉल होंगी, एन एन बॉल होंगी। ठीक है, तो ये तो पता चल गया कि एक साइड में एन बॉल है इक्विलेटरल ट्रायंगल में। तो टोटल बॉल कितनी पहले दे दो, इसमें एक है, इसमें दो है, इसमें तीन है, इसमें चार है, इसमें एन है। तो मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + n, तो कितना आ गया, 1 से लेके एन का सम क्या होगा, एन इंटू एन प्लस 1/2। तो टोटल बॉल आ चुकी है ट्रायंगल के अंदर एन इंटू एन प्लस 1/2। इसमें आपने क्या किया, 99 बॉल्स को ऐड किया, 99 बोला गया इक्वल टू, ये टोटल किसके अंदर बॉल है, स्क्वायर के अंदर बॉल है, ध्यान रखना। अब क्या बोला गया, ये बॉल है स्क्वायर के अंदर। अब पढ़ो दोबारा इस लाइन से, यहां से देन दी ऑल दीज बॉल्स, जो टोटल बॉल्स हैं, कैन बी अरेंज इन ए स्क्वायर। आपने एक स्क्वायर बनाया हुज ईच साइड कंटेन्स, और जो ईच साइड है जो आपने स्क्वायर फॉर्म किया है उसकी जो ईच साइड है उनमें क्या बोला गया है, ईच साइड कंटेन एग्जैक्टली 2 बॉल लेस देन दी नंबर ऑफ बॉल्स ईच साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो ईच साइड के अंदर कितनी बॉल है, ट्रायंगल की ईच साइड में जितनी बॉल यूज की उनसे दो कम है। तो स्क्वायर की ईच साइड में कितनी बॉल होंगी, n-2 बॉल है टोटल। इस साइड में भी n-2 बॉल है, इधर भी n-2 है, इधर भी n-2 और इधर भी n-2 बॉल है। तो इधर सुनो मैं कैसे समझाता हूं आपको। जैसे लेट आपने 4 4 बॉल लेके देखी, मैं आपको समझा रहा हूं, ये लो ऐसे, इधर भी 4 बॉल, ये भी 4 बॉल, ये भी 4 बॉल और ये भी 4 बॉल, ऐसे ही है ना। तो इधर n-2 बॉल, इधर भी n-2, n-2, n-2। तो आपको ये देखना है कि ये जो टोटल बॉल है वो क्या होंगी, इन्हीं बॉल के तो इक्वल होंगी ना। तो देखो इधर 4 बॉल है भाई, आपने साइड्स में 4 4 बॉल है ना, और आप रो वाइज देखो, ये भी 4 बॉल, ये भी 4 बॉल, ये भी 4, ये भी 4, तो क्या आ गया 4 × 4, 16 बॉल है ना टोटल स्क्वायर के अंदर, बोलो आया ना। ऐसे ही अगर जब अपन ईच साइड में n-2 बॉल लेंगे ऐसे यूं, तो इसके अंदर ही पता क्या होगा, ईच रो के अंदर भी n-2 बॉल होंगी। तो n-2 बॉल ऐसे और n-2 ऐसे, तो टोटल बॉल कितनी होंगी स्क्वायर के अंदर, n-2 × n-2। ये बात को समझो थोड़ा ढंग से। जैसे मैंने 4 4 लेके बताया कि ईच साइड के अंदर 4 4 बॉल आप अरेंज करो तो टोटल बॉल क्या आएंगी, 4 × 4 × 4 × 4 + 4 + 4 + 4 मतलब 4 × 4। आप 5 5 बॉल अरेंज करो तो 5 × 5। तो ऐसे अपन ईच साइड में अगर n-2 बॉल अरेंज करोगे तो टोटल बॉल कितनी अरेंज होंगी, n-2 का होल स्क्वायर। मतलब जो n-2 का होल स्क्वायर, इसका मीनिंग क्या है, ये टोटल वो बॉल्स हैं जो स्क्वायर में यूज हुई हैं, और ये बॉल किसके इक्वल होनी चाहिए, इन बॉल के इक्वल। अब आप इसको सोल्व कर दो तो आपको क्या मिलेगा, n की वैल्यू। अपन को n की वैल्यू नहीं पूछी, उसने पूछा गया है कि स्क्वायर में टोटल वॉल कितनी यूज है, तो स्क्वायर के सॉरी ट्रायंगल के अंदर टोटल कितनी वॉल यूज की है, तो ट्रायंगल के अंदर टोटल वॉल कितनी है n × n + 1/2। तो चलो वो बाद में देख लेंगे, n की वैल्यू फाइंड आउट करो आप, तो कर देते हैं सोल्व, क्या दिक्कत है ये लोग। तो क्या आ गया देखो, n² + n+ साथ के साथ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 98 का डबल 198 इक्वल टू क्या आ गया, n² का मतलब 2n² को 2 से मल्टीप्लाई करना है, -4n मतलब माइनस के 8n + 4 का मतलब 8। बोलो आया ना, सबको एक तरफ लेके आओगे तो आ गया n² n - 8n माइनस के 9n और माइनस के 190 इक्वल टू 0। देखो इसके फैक्टर क्या होंगे, 19 × 9 190 आ गया ना, और 19 में से 9 गए तो 19 × 10 सॉरी 19 × 10। तो इसके फैक्टर लिख देना, शायद ये आएंगे n - 19 × n - 10 इक्वल टू 0, n + 10 0, सही है ना। तो n इक्वल टू क्या आ गया 19, n को 19 पुट करोगे तो 19 20/2 देन इज 190 आंसर। मतलब उस इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर टोटल कितनी बॉल्स यूज की अपने 190, तो उसका करेक्ट ऑप्शन आ गया फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रीड करो, द नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 0 1 2 5 7 and 9 विच आर डिविजिबल बाय 11 एंड नो डिजिट इज बीइंग रिपीटेड। आपको क्या करना है, ये जो डिजिट्स गिवन है 0 1 2 5 7 9 इनको यूज करके 6 डिजिट्स के नंबर फॉर्म करने, और वो नंबर क्या होने चाहिए 11 से डिविजिबल। तो सबसे पहले ये बताओ, कोई भी नंबर आपका 11 से डिविजिबल कब होगा, कौन बताएगा, क्या कंडीशन होगी 11 से डिविजिबल की। इवन प्लेसेज का सम निकालोगे और ऑड प्लेसेज का सम, ये पता होना चाहिए कि 11 की कंडीशन क्या है डिविजिबिलिटी की। तो इवन प्लेसेज का सम माइनस ऑड प्लेसेज का सम का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 11 का मल्टीपल या 11 से डिविजिबल। तो जैसे क्या करना है देखो सुनो, अपने लिख दिया कि लेट x1 x2 x3 x4 ये 6 डिजिट का नंबर है, तो इवन प्लेसेज का सम x2 + माइनस ऑड प्लेसेज का सम, ये क्या होना चाहिए 11 का मल्टीपल। बोलो क्या होना चाहिए 11 का, आप मोड लगा देना, क्योंकि इवन माइनस ऑड लो सम या ऑड माइनस इवन कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, अब देखो करना कैसे क्वेश्चन को, आओ देखो ये जो डिजिट गिवन है 0 1 2 5 7, सिंपल सी बात है जब भी कंडीशन 11 की हो ना तो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होता है, क्योंकि इसमें आपको सम करके देखना ही पड़ेगा। तो देखो कैसे करोगे, इधर आओ, ये जो टोटल 6 डिजिट है इनका सम कितना आ रहा है देखना, 12 और 9 21 और 3 24। अब ये 6 डिजिट का सम 24 है, आपको क्या करना है इन 6 डिजिट को 3 3 डिजिट में स्प्लिट करना है, और स्प्लिट ऐसे करना है कि उनका डिफरेंस 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो देखो क्या करो, इस 24 को पहले 2 पार्टों में स्प्लिट करो, जिनका डिफरेंस या तो 22 आना चाहिए या 11 आना चाहिए या 0 आना चाहिए, हाँ है ना, क्योंकि 24 से ग्रेटर मल्टीपल तो हो नहीं सकता ना 11, 33 तो हो नहीं सकता कभी ये। जब यार समेशन ही 24 है तो उनका डिफरेंस तो ये छोटा ही होगा ना यार, तो या तो डिफरेंस आप 22 ला सकते हो। अब डिफरेंस 22 कब आ सकता है बताओ, आपको डिफरेंस 22 लाना है, तो डिफरेंस 22 कब आ सकता है बताओ, 23 में से 1 को माइनस करोगे, हाँ है ना, 23 + 1 24 होता है ना, तो 23 - 1। तो एक बार बताओ 3 डिजिट का सम कभी 1 हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता, मिनिमम सम तो कितना होगा उनका 3। बात को सुने, इन सभी डिजिट का सम 24 है, इस 24 को 2 पार्टों में स्प्लिट करना है, किस टाइप से कि उनको डिफरेंस 22 आना चाहिए। तो 22 आने का एक ही ऑप्शन है 23 - 1। ये 23 क्या चीज है, 3 डिजिट का सम, और ये 1 भी क्या है 3 डिजिट का सम, तो 3 डिजिट का सम 1 तो आ नहीं सकता, तो ये वाला केस तो हो गया गलत, हाँ या ना। सिमिलरली सेकेंड केस क्या कंसिडर करोगे, इस बार 24 को 2 पार्टों में स्प्लिट करना है, जिनका डिफरेंस आना चाहिए 11, क्या आना चाहिए डिफरेंस 11, तो 11 डिफरेंस कब आ सकता है, 11 डिफरेंस कब आ सकता है, 24 में से 11 माइनस करना, 20 ये भी कभी नहीं आ सकता, 11 कभी नहीं आ सकता, 15 और 9 24, 15 माइनस 9 अलग होगा, 18 माइनस 7 हो सकता है। क्यों भाई, नंबर 24 है, ये 23 है तो उससे छोटे नंबर लोगे ना इसको बढ़ाने के लिए, तो 18 माइनस 7 क्या हो सकता है, 11 हो सकता है, बट 18 प्लस 7 कितना आ रहा है 25, तो ये भी पॉसिबिलिटी कभी नहीं हो सकती। बोलो हाँ है ना, मतलब 24 को ऐसे दो नंबरों में स्प्लिट ही नहीं कर सकते जिनका डिफरेंस क्या हो 11 आए, कभी नहीं कर सकते। 11 लाने का एक ही तरीका 18 माइनस 17, लाने के तरीके तो बहुत हैं, 19 माइनस 7, 19 माइनस 8, 9 और 8 ये तो बढ़ जाएगा। आप अगर 17 करोगे तो 17 के साथ क्या लोगे 6, 17 और 6 23 आ गया, ठीक है। 17 के बाद 16 के साथ क्या करोगे 5, 16 लेकिन 16 और 5 21 आ गया, तो 24 कभी आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये वाला केस भी अपना हो गया गलत। तो अब चलो मतलब ना तो 11 आ सकता डिफरेंस, ना 22 आ सकता, तो फिर कौन सा ऑप्शन बचा जीरो, कि डिफरेंस जीरो कब आ सकता है, मतलब 12 into 12 आना चाहिए। 24 को दो पार्टों में शिफ्ट करना है 12 और 12, तो आपका डिफरेंस क्या आ सकता है जीरो। तो देखो 12 कब आएगा, हाँ 7 5 12 जीरो, 9 2 1 जीरो, तो एक तो कॉम्बिनेशन आ गया 9 2 1 और एक कॉम्बिनेशन आ गया 0 5 और 7। मतलब इवन प्लेसेज पे अगर आपने इनको फिल किया है तो इनको ऑड पे करना है, और इनको अगर इवन पे किया है तो इनको ऑड पे करना है। इन दोनों केसेज को कंसिडर करेंगे अपन। बोलो यस और नो, यही बात सबको समझ में। चलो अपन क्वेश्चन करते हैं, इसको हटा दो। इवन इवन इवन, ऑड ऑड ऑड। चलो तो सबसे पहले तो देखो इवन प्लेसेज पे इनको फिल करते हैं अपन। इवन प्लेसेज कौन सी है, ये वाली। तो इन तीनों पे तीनों डिस्टेंस को फिल करने के तरीके फैक्टोरियल 3 into। अब आपको इन 3 प्लेसेज पे 0 5 7 को फिल करना है, तो इधर 0 तो आ नहीं सकता, तो इसको फिल करने के 2 मेथड, इसको फिल करने के अब कितने मेथड होंगे 2, हाँ है ना भाई। इधर 0 नहीं आ सकता, तो 5 7 में से कोई भी नंबर आ सकता है, 2 मेथड, एक नंबर चला गया इनमें से। अब 0 आ सकता है तो अगेन 2 मेथड, और इसको फिल करने का 1 मेथड। तो 6 into 4 ये आ गया 24। बोलो हाँ है ना, ये तो बात हुई इसकी। अब जब रिवर्स लोगे, कि जो इवन प्लेसेज हैं इधर तो बनना ऑड नंबर, अब 0 कहीं भर दो ऑड नंबर, इवन प्लेसेज पे कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको फिल करने के फैक्टोरियल 3, और इन जो ऑड प्लेसेज हैं इन पे किसको फिल करना 9 to 1, ये तो नॉन जीरो नंबर है, तो अगेन फैक्टोरियल 3। तो कितना आ गया 3 into फैक्टोरियल 3, 6 into 6 36, तो 36 और 24 इज 60 आंसर आ गया। मतलब इसमें एक ही कॉम्बिनेशन था 9 to 1 और 0 5 7 का। फिर आप इसमें दोनों केस लोगे, एक बार इनको इवन मानो, इनको ऑड प्लेसेज फिल करो, फिर उनको ऑड पे किया तो इनको इवन पे प्लेसेज करो, तो टोटल क्या आंसर आएगा इसका 60, ठीक है। ठीक क्वेश्चन था ये। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा बेटा, 10 क्वेश्चन। सपोज दैट 20 पिलर्स of the same height have been erected. Suppose that 20 pillars of the same height has been erected along the boundary of a circular stadium. एक circular stadium की boundary पे आपको 20 pillars को height पे रखे हुए हैं, मतलब उनको गाड़ा गया है ऐसे मान लो आप, ठीक है, उनको stand किया गया है। If the top of each pillar has been connected by the beam with the top of all its non एडजेसेंट पिलर, मतलब जैसे 20 पिलर्स ऐसे रखे हुए सर्कुलर मोशन पे, सर्कुलर टेबल पे मान लो, या सर्कुलर स्टेडियम है, मतलब सर्किल मान लो आप, ठीक है, एक सर्किल पे 20 पिलर्स ऐसे ही हूं। अब क्या करना है, इनके टॉप को रिमेनिंग पिलर्स के बीम, देखो पढ़ो, इफ द टॉप ऑफ ईच पिलर हैज बीन कनेक्टेड बाय द बीम विद द टॉप ऑफ ऑल इट्स नॉन एडजेसेंट पिलर, मतलब रिमेनिंग, जैसे इसका टॉप है ना, इसको इनके दोनों एडजेसेंट को छोड़ के रिमेनिंग टॉप से क्या करना है आपको बांधना है। तो ये कह रहा है कि देन दी टोटल नंबर ऑफ बीम्स, तो टोटल कितनी बीम की आपको रिक्वायरमेंट होगी, या रस्सी मान लो ना यार, कि पहले P1 पिलर को आप स्कोर इसको छोड़ दो, बाकी से बांधोगे तो उतनी रस्सी उसकी चलेंगी, फिर अगले वाले के लिए आप उसको बांधोगे तो उसके लिए रस्सी चाहिए, तो कह रहा है टोटल बीम मतलब टोटल रस्सी कितनी चाहिए बांधने के लिए। तो देखो कैसे करना, सुनो क्वेश्चन को। ये लेट A1 है, ये लेट A2 है, ये लेट A3 है, A4 और A20। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बट सिंपल है। ये टोटल 20 पिलर्स हैं। अब सुनो होगा क्या, P1 पिलर के इस पॉइंट को आपको A2 और A20 से नहीं मानना, बाकी सब से उससे मानना है। ऐसे ही A2 को A1 A3 से मत मानो, सबसे मानो। तो इसका मीनिंग क्या, देखो मतलब यही तो करना है आपको। A1 के लिए आपको कोई भी एक पिलर सेलेक्ट करना है जिससे बांधोगे, फिर A2 के लिए सेलेक्ट करना है। तो कुछ क्या होगा, ये मत करना कि सर A1 को फिक्स किया एक ले लो इनको छोड़ के, फिर A2 को लेके इन दोनों को छोड़ के ले लो, तो कुछ के बाद कुछ रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा इसमें सर्किल के अंदर। बात समझ में? आपने अगर केसेज बना लिए कि A1 के साथ A2 और A20 को हटाओ, बाकी 18 में से लेने का 18 तरीके, फिर A2 के लिए A1 A3 को हटाओ 18 तरीके, तो सब में 18 तरीके मिलेंगे फिर तो। बट वो गलत है, क्यों? क्योंकि इसमें रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा कि जो पिलर जैसे A1 A7 आ गया ना, दोबारा A7 A7 बना सकता है। तो इसका मीनिंग क्या है इनडायरेक्टली समझना, आप इन सबको ऐसे ज्वाइन कर दो तो क्या बन गया है, ये 20 साइड का एक पॉलीगन बन गया। क्या बन गया? 20 साइड का पॉलीगन। ऐसे तो बांधना अपन को बीम को, यूं इसको इससे बांधोगे। तो ये क्या चीज है पता है, ये सारे डायगोनल तो हुए। आप जब उन पिलर के टॉप को रिमेनिंग के टॉप से बांधोगे एडजेसेंट को छोड़ के, तो क्या बनेंगे बांधने के बाद, देखो वो एज ए पॉलीगन पे उसके क्या डायगोनल हैं। तो जितने ये नंबर ऑफ डायगोनल बनाओगे आप, उतने क्या होंगे, ये पिलर एक दूसरे से बने होंगे, तो उन्हीं का नाम दिया गया बीम। ये बीम है एक तरीके से, रस्सी इससे बांधा गया है। तो बताना टोटल कितनी रस्सी होंगी ये। तो इसका मतलब इन A1 A2 ये इनको वर्टेक्स मान लो, इन वर्टेक्स को आपको ज्वाइन करना है। और ज्वाइन करोगे तो ज्वाइन करने से जो क्या बने, देखो इसको नहीं लेना, ये तो नॉन डायगोनल है, ये सारे क्या डायगोनल। तो आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो ये एन एक सर्किल पे अगर एन पॉइंट रखे हुए हैं तो उससे टोटल कितने डायगोनल फॉर्म कर सकते हैं अपन, ये सबको फॉर्मूला जो आना चाहिए एन सी टू माइनस एन। भाई समझाना था क्वेश्चन को कि क्वेश्चन का मीनिंग इनडायरेक्टली क्या है, आपको इस सर्किल पे जो 20 पॉइंट्स हैं उनसे टोटल नंबर ऑफ डायगोनल फॉर्म करने हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, एन सी टू माइनस एन। एन कितना है 20, तो क्या क्या बोलो 20 C2 माइनस 20। 20 C2 की वैल्यू क्या होगी, 20 × 19/2 तो 10 190 माइनस 20 170, मतलब टोटल 170 बीम की रिक्वायरमेंट होगी आपको ईच पिलर के टॉप को बांधने के लिए। ठीक है, चलो उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ पढ़ो सभी। दी नंबर ऑफ वे ऑफ चूजिंग 10 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 31 ऑब्जेक्ट्स। आपको क्या करना है, 31 ऑब्जेक्ट में से बेटा 10 ऑब्जेक्ट का क्या करना, सिलेक्शन करना है। व्हेन विच 10 आर आइडेंटिकल एंड रिमेनिंग 21 आर डिस्टिंक्ट, मतलब इन 31 ऑब्जेक्ट में से क्या बोला गया है, देखो सभी 21 ऑब्जेक्ट तो डिस्टिंक्ट है और 10 ऑब्जेक्ट क्या है, लाइक ऑब्जेक्ट। क्या बोलो, आइडेंटिकल मतलब लाइक ऑब्जेक्ट्स हैं। तो बताओ कितने वे से कर सकते हो, तो करते हैं, क्या दिक्कत है। आपको 10 ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है इन 31 ऑब्जेक्ट में से, जिसमें से 21 तो डिस्टेंट है, 10 अलाइक लाइक ऑब्जेक्ट है। तो देखो कैसे करना है, 10 ऑब्जेक्ट लेने। तो सबसे पहला तो केस ये लो कि 21 सारे, देखो 21 टोटल 31 ऑब्जेक्ट्स हैं, 21 अलाइक हैं और 10 लाइक ऑब्जेक्ट है। आपको 10 ऑब्जेक्ट लेने थे, देखो क्या क्या केस हो सकते हैं, समझो ढंग से। सबसे पहला केस क्या होगा कि आप 10 ऑब्जेक्ट डिस्टेंट लो, फिर 9 डिस्टिंक्ट लो, 1 लाइक लो, अगला 8 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट लो, 2 लाइक ऑब्जेक्ट, अगला 7 डिस्टिंक्ट, 3 लाइक ऑब्जेक्ट अप टू सो ऑन। तो देखो कैसे ट्राई करोगे, क्या लिखना है, 10 के 10 ऑब्जेक्ट डिफरेंट प्लस 9 डिफरेंट 1 लाइक, 8 डिफरेंट 2 लाइक प्लस ... 1 डिफरेंट और तो 9 लाइक और या फिर 10 के 10 लाइक। बोलो हाँ है ना, एल। तो देखो एस मान लो उसको, क्या दिक्कत है, समी तो चीज का 10 के 10 डिफरेंट लेने हैं। तो टोटल 21 डिफरेंट है, तो उसमें से 10 लेने के मेथड 21 C10 प्लस 9 डिफरेंट लेने के मेथड 21 C9। अब आप इधर देखो, 1 लेना लाइक ऑब्जेक्ट, अरे यार 10 ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं और उनमें से 1 ऑब्जेक्ट लाना है, तो कितने मेथड, एक ही मेथड, कोई सा भी लिया और सारे एक जैसे हैं। क्यों? अगर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट में से आपको एक ऑब्जेक्ट लाना है तो भी उसका लाने का एक मेथड है। मैंने बोला कि 10 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हैं एक जैसे, उनमें से मैंने बोला दो ऑब्जेक्ट लाने तो भी एक मेथड, कोई सी भी दो ले आओ। तो अलाइक लाइक ऑब्जेक्ट में से आपको एक ऑब्जेक्ट लाना हो या दो लाने हो, तीन लाने हो, सारे के सारे ऑब्जेक्ट लाने हो तो उसको लाने का हमेशा एक ही तरीका होगा बेटा, या नहीं लाने हो तो भी एक तरीके के मतलब लेके आओ। ठीक है, तो लाइक ऑब्जेक्ट में से 1 ऑब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट 3 ऑब्जेक्ट ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करने, तो उसके मेथड कितने होंगे, एक ही होंगे। मतलब ईच ईच केसेज के एक एक मेथड होंगे। तो देखो इधर आओ, तो 19C9 21C9 और एक लाने का एक ही मेथड है, तो इनटू मल्टीप्लाई 1 तो 1 सेम आ गया। अगला 21C8, अब दो लाने तो भी एक मेथड है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। ऐसे ही अगर एक लाइक लाना है अलाइक तो 20C1 ये डॉट 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 ध्यान रखना, C1 और लास्ट इज 21C0, क्योंकि जब आपने एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंट लिया 21C1 तो नो लाइक लाने का एक मेथड और सारे के सारे, और 20C0 का मतलब एक भी डिफरेंट ना हो और सारे सेम हो, तो 20C0 इंटू अगेन 1। अब देखो ये सीरीज हाफ सीरीज है, 21C0 21C1 डॉट डॉट 21C10, ये फुल सीरीज होती है तो 2n फॉर्मूला है। तो जब हाफ सीरीज हो समेशन में PN BT के अंदर तो क्या करते हैं, NCR को लिख सकते हैं NCN-R, तो क्या गए 21C11 प्लस 21C12 प्लस 21C13 डॉट 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 21C20 एंड 21C21। बोलो हाँ है ना। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ गया 2s इक्वल टू, अपन को तो s फाइंड आउट करना, ध्यान रखना बेटा। तो ऐड करो 21C0 1 2 3 8 9 10 11 12 13 14 15 20 21 मतलब C0 से लेके कहाँ गया डायरेक्ट NC0 से लेके कहानी कहाँ तक है NCN तक। अरे सिंपल सी बात है ना, NC0 प्लस NC1 डॉट डॉट NCN, इसका सम क्या होता है 2n। तो इसमें भी ये हो रहा है, ये 0 से स्टार्ट होके 21 तक ही जा रहा है, तो क्या गया 2n। तो इससे s आ जाएगा 2n। सिंपल क्वेश्चन था ये तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 3rd। चलो फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट कंपेराइज ऑफ 5 बॉयज एंड N गर्ल्स, मतलब एक ग्रुप है स्टूडेंट का उसमें 5 बॉयज और N गर्ल्स हैं। इफ द नंबर ऑफ वे इन विच ए टीम ऑफ 3 स्टूडेंट कैन रैंडमली बी सिलेक्टेड फ्रॉम दिस ग्रुप सच दैट देयर इज एटलीस्ट 1 बॉयज एंड 1 गर्ल्स, आपको क्या करना है, और वो किसके इक्विवेलेंट बोली गई है 1750 के इक्विवेलेंट। इसका मीनिंग क्या है, एक स्टूडेंट के ग्रुप में 5 बॉयज है और N गर्ल्स हैं, आपको उनमें से 3 स्टूडेंट की एक टीम बनानी है, और कंडीशन क्या है कि ईच ग्रुप के अंदर एक गर्ल्स और एक बॉयज होना चाहिए, और वो टोटल जो टीम है वो गिवन है आपको 1750। तो बताओ N की वैल्यू क्या होगी। सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा आराम से। देखो 3 लेने हैं और मिनिमम 1 बॉयज और 1 गर्ल्स, अपने पास 5 बॉयज हैं और N गर्ल्स हैं। तो देखो अगर अपन 1 बॉयज लेंगे तो 2 गर्ल्स लेनी पड़ेंगी, या फिर 2 बॉयज लोगे तो 1 गर्ल्स लोगे, इसके अलावा और कोई केस ही नहीं बचा, क्योंकि एक एक तो लेना मिनिमम है ना। तो जो रिमेनिंग एक है वो गर्ल्स हो सकती है, बॉयज हो सकती है। कर दो सॉल्व क्या है। तो देखो 1 बॉयज लेना है तो 5C1 इंटू 2 गर्ल्स NC2 प्लस 2 बॉयज 5C2 और दिस इज NC1। ये सम क्या गिवन है 1750, तो n मिल जाएगा से। तो देखो 5C15 तो आ गया n इंटू 5, और ये क्या आ गया 5C2 की वैल्यू 10 इंटू 10n इक्वल टू आ गया 1750। हाँ है ना। देखो ये 5 तो कैंसिल हो जाएगा, भी ध्यान रखना, तो 5 से कैंसिल करो तो क्या गया n² माइनस n/2 प्लस 2n इक्वल टू 5 से कैंसिल करो 15 2 25 5 0। ठीक है, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो उसको क्या आ गया n² प्लस 4n माइनस 3n प्लस 4n माइनस n प्लस 3n, और ये आ गया 70 माइनस 700। बोलो आया ना। अब इससे n फाइंड आउट करना है, तो देखो इसके फैक्टर करो जो 7 ये आना चाहिए, तो क्या होंगे इसके फैक्टर मैं एक काम करता हूं, ऑप्शन से पुटी करके देख लेते हैं ना। आपको 700 आना है, n को अगर 25 लोगे तो 25 का स्क्वायर 625 प्लस 75, हाँ 700 आ गया 80 से, बाकी से आएगा नहीं और क्या, ठीक है ना। तो क्या आ गया 20, आप फैक्टर कर लेना इसके यार, अदरवाइज आप पुट करके देख लो ऑप्शन से कि 1/1 कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा। तो n का आ गया 25। तो सिंपल क्वेश्चन था बेटा ये। तो उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। दी टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स, टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स इन विच 1 एंड ऑल दी 5 डिजिट, ओनली एंड ऑल दी 5 डिजिट 1, 3, 5, 7 and 9 अपीयर्स इज। इसका मीनिंग क्या है, आपको 6 डिजिट का नंबर बनाना है और ये जो डिजिट है ना इनको एटलीस्ट 1 टाइम तो यूज करना ही करना है। इसका मीनिंग क्या है, जब आप 6 डिजिट का नंबर बनाओगे तो उसमें होगा क्या, इन 5 डिजिट को तो यूज करना मस्ट है, 1, 3, 5, 7, 9 को। इसने बोला कि विच ओनली, ओनली का मतलब इनको ही यूज करना है, इनके अलावा और कोई सी डिजिट नहीं लोगे आप, और सबको लेना मस्ट है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 डिजिट का नंबर है, डिजिट 5 है, सबको यूज करना है। तो क्या होगा, इसमें 1 डिजिट को रिपीट करना पड़ेगा आपको, सही है ना। 1 डिजिट क्या होगी इसमें रिपीट। तो एक काम करो, सबसे पहले क्या करो, ये टोटल 5 डिजिट है, इनमें से जो डिजिट आपको रिपीट करनी है ना उसको सिलेक्ट कर दो। आप 1 को भी रिपीट कर सकते हो, 3 को भी रिपीट कर सकते हो, 5 को, 7 को, 9 को। तो कितने मेथड, 5 मेथड, 5C1। 5C1 का मीनिंग क्या है, जिस डिजिट को रिपीट करना उसको सिलेक्ट कर लो आप। तो 5 मेथड इसको सिलेक्ट करने के। ये 5 का मीनिंग है 1 डिजिट इज रिपीटेड, जो डिजिट रिपीट की है। अब चलो इस 5 में सारी पॉसिबिलिटीज हैं, एक बार 1 भी आ गया, 3 भी आ गया, 5 भी आ गया, 7 भी आ गया, 9 भी आ गया। चलो मैंने लेट 1 को रिपीट किया है, तो 1, 1, 3, 5, 7, 9 तो होगी 6 डिजिट। अब इनको यूज करके 6 डिजिट का नंबर बनाना है। इसका मतलब इनको क्या करना है, रीसफल ही तो करना है यार। तो रीसफल करने के मेथड फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2, 5 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर आ गया, 5/2 into फैक्टोरियल 6। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये तो बेटा। बोलो इसमें किसी को डाउट है क्या, क्या करना था, 1 डिजिट को रिपीट करना है और सभी डिजिट को यूज करना है। तो मैंने पहले क्या किया, 1 डिजिट को रिपीट करना है, तो उसके 5 मेथड है, क्योंकि 5 डिजिट है मेरे पास। तो 5 into 1 डिजिट को रिपीट कर दो। जैसे मैंने 1 को रिपीट किया तो टोटल डिजिट कितनी हुई, 6, जिसमें 1 रिपीटेड है। तो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2। चलो उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पढ़ो उसको जल्दी से। इफ दी नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर विद डिस्टिंट डिजिट, इसका मीनिंग क्या है कि आपको सारी डिजिट को डिस्टिंट लेना है, ठीक है ना। चलो इफ दी नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर विच विद डिस्टिंट डिजिट एंड 2 at the 10th place, सारी डिजिट आपकी डिस्टिंट है, मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउड, और 10th place पे आपका कौन आना चाहिए, 2 आना चाहिए, ठीक है ना। चलो इज इक्वल टू 3, 3, 6, तो बताओ के क्या होगा, कर देंगे, क्या दिक्कत है। ये लो, ये लेट 5 डिजिट का नंबर है, इधर तो 2 आना फिक्स है, तो इसको बढ़ने का एक ही तरीका है। अब डिजिट कितनी बची, टोटल 10 डिजिट होती है 1 से 9 तक, 2 तो आ चुकी है, तो बची कितनी, 9। अब उस 9 में 1 तो 0 है और रिमेनिंग 8 डिजिट है। तो देखो इधर आओ, इसको फिल करने के कितने मेथड, 8, क्योंकि 0 तो आ नहीं सकती, तो 1 इसमें से चलेगी इस पे, तो बची 7 और 1 ये 8। अब कोई भी आ सकती है, बोलो आया ना भाई। 2 इसको फिल कर दिया, 9 डिजिट है, इस प्लेस पे 0 नहीं आ सकती तो 8, बट अब 0 आ सकती है, तो 7 तो ये थी, 1 चलेगी ना, और 1 0 आ सकती है, तो अगेन 8, फिर अगेन 7 और अगेन 6। तो ये वैल्यू आपको गिवन है 3, 3, 6 के इक्वल। तो कितना आ गया, 8 into 8 42 equal to 3, 3, 6 के। करते हैं सोल्व, पहले 8 से कैंसिल करो उसको, 32, 16 और ये 42 से 42, तो के क्या आ गया, 8 आंसर। सिंपल क्वेश्चन है बहुत ज्यादा ये, तो कोई डाउट किसी को इसमें। उसके बाद देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक एन अर्न कंटेन 5 रेड मार्बल्स, 4 ब्लैक मार्बल्स एंड 3 व्हाइट मार्बल्स। एक अर्न के अंदर 5 रेड मार्बल्स हैं, 4 ब्लैक मार्बल्स हैं और 3 व्हाइट मार्बल्स हैं। देन दी नंबर ऑफ वे इन विच 4 मार्बल्स कैन बी ड्रॉन, शो दैट एट मोस्ट 3 ऑफ देम आर रेड। क्या करना है आपको, इन सभी मार्बल्स में से आपको 4 मार्बल का सिलेक्शन करना है और उसमें मैक्सिमम 3 मार्बल्स कैसे हो सकते हैं, रेड हो सकते हैं। तो देखो कैसे करोगे, तो 5 तो रेड मार्बल्स हैं और रिमेनिंग मार्बल कितने, 4 और 3, 7 मार्बल हैं। अब देखो क्या करना है, आप 3 रेड लोगे तो एक रिमेनिंग, इसको रिमेनिंग लिख दो, आप एक रिमेनिंग मार्बल ले सकते हो, प्लस रिमेनिंग मत लिखो यार, आर मत लो उसको, कंबाइंड मार्बल है रिमेनिंग, ठीक है, सी लेट कर लेते हैं, समझना इसको ढंग से। 3 रेड एक कंबाइंड का मतलब उनमें से ले सकते हो, या फिर 2 रेड 2 कंबाइंड प्लस 1 रेड 3 कंबाइंड, या फिर चारों के चारों रिमेनिंग मार्बल ले सकते हो। तो देखो 5 में से 3 मार्बल लो, 5C3, और 7 में से 1 लेना है तो 7C1, बोलो हाँ है ना, प्लस 5 में से 2 लोगे तो इसमें 5 में से भी 2 लेना है, सिंपल क्वेश्चन है तो यार, 1 रेड लेना है तो 5C1, रिमेनिंग में से 3 लेने तो 7C3 प्लस 7C4, इसको सोल्व कर दो, आंसर जाएगा। और क्या, तो देखो 5C3 का मतलब 5C2, मतलब 10 × 7, 70, प्लस 7C2 का मतलब 7 × 6/2, 21 × 10, 210 आ गया, प्लस 7C3 का मतलब क्या होगा, बोलो फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, तो 7, 6, 5 बटे फैक्टोरियल 3, 35 आ गया ना, 35 × 5, 175, गलती नहीं हो जाए, ध्यान रखना थोड़ा, प्लस 7C4 का मतलब 7C3, तो ये भी कितना आ गया, 35। तो देखो इनको ऐड करो, 5, 80, 3, 210, 420 और 70, 490, मतलब ये आ गया 490, बस गुणा भाग करना है आपको, तो इसका आंसर 490 लिखना है। ये न्यूमेरिकल ग्रिड का क्वेश्चन था, ठीक है ना, चलो सिंपल क्वेश्चन है तो कर सकते हो आप इजीली। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये शायद लास्ट क्वेश्चन है इसका बेटा, द नंबर ऑफ 4 लेटर्स वर्ड विद और विदाउट मीनिंग, ठीक है, कोई बात नहीं, मीनिंग या मीनिंगलेस से कोई मतलब नहीं है, दैट कैन बी फॉर्म दी 11 लेटर्स ऑफ दी वर्ड एग्जामिनेशन। इस एग्जामिनेशन वर्ड्स में से आपको 4 लेटर का सिलेक्शन करके क्या बनाने, वर्ड्स फॉर्म करने हैं। तो बताओ टोटल कितने वर्ड्स फॉर्म होंगे, तो देखो कैसे करोगे, आओ सब ब्लैक बोर्ड पे देखो। इसको करने के 2 मेथड हैं, एक तो नॉर्मल केसेज अराइज कर सकते हैं और एक कर सकते हैं इसको मल्टीनोमियल थ्योरम से, बट मल्टीनोमियल थ्योरम से क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होता है बेटा, ठीक है, तो अपन इसको एक सिंपल मेथड से क्वेश्चन को करेंगे। तो देखो इधर आओ, पहले तो देखो इसमें ए 2 टाइम्स आ रहा है, ए 2 बार आ रहा है, ए के बाद इसमें आई भी 2 टाइम्स है, और आई के बाद और कौन सा रिपीट हो रहा है, इसमें एक एन भी आपका 2 टाइम्स है, 2n, बोलो हाँ है ना। और रिमेनिंग जो लेटर हैं 6 और 5, 11, 1, 1, 1, 1, 1, वो सारे सिंगल टाइम्स है, वो लिखने की जरूरत नहीं है मेरे को। ए आई एन तो 2 टाइम्स लेट किए गए इसमें, और रिमेनिंग जो लेटर्स हैं 5 उनको 1, 1 आपको कंसीडर करना है। तो देखो आपको इनमें से 4 लेटर्स सेलेक्ट करने थे, देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। फर्स्ट केस, ऑल 4 लेटर्स आर डिस्टिंक्ट, सारे के सारे लेटर क्या हो सकते हैं, डिस्टिंक्ट हो सकते हैं। डिस्टिंक्ट का मीनिंग सिंगल ए, सिंगल आई, सिंगल एन, या फिर सिंगल सिंगल, इनमें से ले सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, इसमें से सिंगल ए, सिंगल आई, सिंगल एन, और ये 5, तो टोटल सिंगल लेटर्स कितने, टोटल डिस्टिंक्ट लेटर कितने अपने पास, 8, और सेलेक्ट कितने करने, 4। अपन को 4 लेटर का वर्ड्स बनाना है, तो पहले क्या करोगे, 8 डिस्टिंक्ट लेटर में से 4 लेटर का सिलेक्शन, तो क्या आ गया बेटा 8C4, ये तो केवल हो गया सिलेक्शन। अब सेलेक्टेड 4 डिस्टिंक्ट लेटर से अपन कितने वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं, फैक्टोरियल 4, तो इसको सोल्व कर देंगे एक तो अपन। तो 8C4 की वैल्यू क्या होगी, देखो फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 4 × फैक्टोरियल 4, तो कर देना इसको सोल्व। तो 8, 7, 6, 5 अपॉन ये 24 आ गया ना, तो 24, 3 और 3 × 2, तो 7, 35, 70 आ गया शायद, तो 70 × 24, ये गुणा भाग थोड़ा ध्यान रखना आप, तो 0, 1680 आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखो सेकंड केस क्या होगा बेटा, इसमें क्या था, ऑल 4 लेटर्स आर डिस्टिंक्ट, सेकंड केस क्या होगा, 2 लेटर तो एक जैसे लो और रिमेनिंग 2 लेटर डिस्टिंक्ट, मतलब 2 लेटर्स आर अलाइक एंड अदर 2 लेटर्स आर डिस्टिंक्ट, क्या लिखोगे इसमें, 2 लेटर्स आर अलाइक एंड अदर टू लेटर्स आर डिस्टिंक्ट। तो देखो अपने पास अलाइक लेटर कितने हैं, 3। तो अब सबसे पहले क्या करोगे, या तो आप 2a ले सकते हो, या 2i ले सकते हो, या 2n ले सकते हो। तो ये आ गया 3c1। इस 3c1 का मीनिंग क्या है, अलाइक लेटर को लेने के तरीके। तो या तो 2a ले सकते हैं, या 2i ले सकते हैं, या 2n, तो 3 तरीके इनटू। अब चलो लेट आपने 2i का सिलेक्शन किया, तो अब डिस्टिंक्ट लेटर कितने बचे, 5 × 2 7। टोटल डिस्टिंक्ट लेटर कितने होंगे, 7। अब इन 7 में से कितने लेटर और सेलेक्ट करने हैं आपको, 2। ये थोड़ा ध्यान रखना, इसमें गलती मत कर देना आप कि सर इधर 1 लिखा है। इस 1 का मतलब ये कि आपने ऑटोमेटिक एक ग्रुप को सिलेक्ट कर दिया 2 लेटर के का, ठीक है। तो 2 लेटर तो इसके अंदर हैं, AA, और 2 लेटर डिस्टेंस में हैं। तो देखो इनसे क्या होगा, फैक्टोरियल 4/, दोबारा सुनो, ये जो 2 लेटर सेलेक्ट किए वो दोनों लेटर कैसे हैं, अलाइक। तो ये एक जैसे डिस्टेंस, तो अपॉन में क्या आएगा, फैक्टोरियल 2। ये फैक्टोरियल 2 क्यों लिखा है, क्योंकि जो 4 लेटर है उसमें 2 लेटर बेटा एक जैसे हैं। तो इसको सोल्व करने पे देखो क्या जाएगा, ये 3 7 × 7 c2 की वैल्यू क्या होगी, 7 × 6/2 21। तो 21 × 3 × 12, तो कितना आ गया देखो, 36 × 21। क्या गया, 756। और उसके बाद लास्ट केस क्या होगा, इसका मीनिंग क्या था, ऑल 4 लेटर्स आर डिस्टिंक्ट। अगला क्या था, 2 लेटर अलाइक एंड 2 डिस्टिंक्ट। और थर्ड केस में लिखोगे, 2 लेटर्स आर 1 टाइप एंड अदर 2 आर 2nd टाइप। मतलब 2 लेटर एक जैसे और रिमेनिंग 2 लेटर्स आर अलाइक। तो इस बार देखो क्या करोगे, अपने पास टोटल 3 पेयर हैं, तो आप 3 पेयर में से 2 पेयर का क्या करोगे, सिलेक्शन। 3 में से 2 पेयर का सिलेक्शन करने का मीनिंग क्या है, कि आपने 2 तो a को सिलेक्ट किया है, 2i को, या फिर 2i 2n, या 2i और 2n, 2a या 2n, मतलब 3 पॉसिबल होंगे इसमें। तो अब जब आप 2 पेयर लोगे, तो ये जैसे ये पेयर आपने सिलेक्ट किया 2i और 2a का, तो ये 4 लेटर है। तो ये लेटर क्या है, 2 लेटर एक जैसे और रिमेनिंग 2 लेटर्स आर डिस्टिंक्ट, रिमेनिंग 2 लेटर्स आर ऑल्सो अलाइक। तो क्या गया, फैक्टोरियल 4/(फैक्टोरियल 2 × फैक्टोरियल 2। तो इसको सोल्व करने पे क्या जाएगा, देखो 24/4 6 × 3 18। अब आप इन तीनों को ऐड करो, तो देखो क्या आ गया, पहले इसमें 18 ऐड कर दो, चलो इधर कर देते हैं, चौबीस सौ 54 आंसर आएगा इसका, ठीक है। चलो है ना, ये लास्ट क्वेश्चन था, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपन बाद में डिस्कस करेंगे।